चल मीत बॉल करा हुण वेखी किन्ने छक्के मारने आ मैं तेरी बारी नहीं आण देनी मैं हुण वी जी आप ना जल्दी आउट हो जाना फिर मेरी बारी नहीं आ पाती है फिर रात हो जाती है ना ओ मीत तू ना बॉल करा आ जानी है तेरी बैटिंग भी चल ठीक है वी जी आले चक छक्का उम्मीद तू अथे रुक मैं बॉल लेके आना आले चक मीत आप बच्चों वाली बॉल ना करा थोड़ी जी फास्ट करा ओ चल कोई गल नहीं तू अद्दा ही करा दे उम्मीद ए मम्मी कितों आ गई इन्नी जल्दी एना ने ते शाम नू आना सी पता नहीं वीर जी हुण ते हलाल कर देना है मम्मी जी ने सानू वीर जी मुझको तो डर लग रहा है ओ तू टेंशन ना ले मैं संभाल लेना सब पंजाबी ओ मम्मी जी दर्द हो रहा है मेनू चल मना करके गई थी ना घर से बाहर मत निकलना चलो तुम दोनों आज पढ़ने के लिए छोड़ के गई थी ना दोनों को मम्मी ने मार्केट जाने का नाम क्या ले लिया तुम दोनों के कान खड़े हो गए मम्मी के बाहर कदम रखते ही बस तुम आवारा हो गए पेपर चल रहे हैं ना दही क्यों जमा लिया मुंह में पूछ रही है मम्मी कुछ ओ मम्मी जी पढ़ ही रही सी थोड़ा मूड फ्रेश करने लई क्रिकेट खेलने गई सी ओदो बाद पढ़ना ही सी सानू तेरा मूड बड़ा खराब होता है एक पैसे उससे पढ़ा नहीं ज्यादा ढंग से और जो तूने ये किट मंगवाई है ना जिद करके देती हूँ उसे कबाड़े वाले को नाक में दम करके रख दिया है तुमने मेरे खुद तो बिगड़ा हुआ है तू उसे भी बिगाड़ दे साथ में तुझे तो कुछ करना नहीं है अगर फेल हो गया ना इस बार तेरे पापा जी से कह के पंक्चर की दुकान पे लगवा दूंगी फिर जोड़ते रहियो सारी जिंदगी पंक्चर लोगों के मम्मी पानी पी लूं प्यास लगी है टांगे तोड़ दूंगी तेरे भी कहीं नहीं जाएगी जब तक मुझे वेजिटेबल और फ्रूट्स नेम नहीं सुना देती चल यहीं बैठ और तुझसे 6 और 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सुनूंगी बिना याद करे दोनों अपनी जगह से हिल मत जाना आज नहीं तो फिर मेरे से बुरा नहीं होगा कोई आज नलायक औलाद लगता है मम्मी जी ने तो आज खाना भी नहीं देना है गुस्से विच वीर जी मुझको सूसू आई है यही बैठूंगी आज तुम्हारी छाती पे देखती हूँ कैसे नहीं करते पढ़ाई उंगली टेढ़ी करनी पड़ी मुझे चलो कर दो स्टार्ट हाय पढ़ते पढ़ते सोफे पे ही सो गई मेरी बच्ची चलो बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे अब खुद जिम्मेदारी से पढ़ लेते हैं वरना जब छोटी क्लास में थे तो पीछे पड़े रहना पड़ता था कि पढ़ लो चल बेटा उठ जा चाय बना के दूं तुझे रिवीजन कर ले इतने मम्मी यार सोने दो ना बहुत नींद आ रही है बेटा 2 घंटे बचे हैं पेपर में कर ले रिवीजन नहीं तो थोड़ी बहुत देर की नींद के चक्कर में पूरा पेपर खराब हो जाएगा यार ये पेपरों ने जिंदगी खराब की हुई है क्यों आते हैं ये जिंदगी में मेहमानों की तरह हाँ शाबाश चल एक काम कर पानी की झपकी मार ले मुंह पे आंख खुल जाएंगी नहीं मम्मी ऐसे ही पढ़ लूंगी सुबह सुबह बहुत ठंडा लगता है पानी चल तेरी मर्जी लाती हूँ कड़क सी चाय बना के
ये ले तेरा भला हो, 7 बज गए और ये अभी तक सोई पड़ी है। गलती सोच लिया था मैंने तो, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन मेरी औलाद नहीं सुधरने की। मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या खा के पैदा किया था इन्हें। रुक जा कुंभकर्ण की औलाद, अभी सुलाती हूँ तुझे। आले फड़, ऐसे देते हैं पानी। एलो फड़ो, बोल दीदी ये लो पानी पी लो। आलो दीदी जी पानी पी लो। नीचे रख दे। शाबा। हुण करवा दे क्वेश्चन सॉल्व। रुक जा करवा रही हूँ ना। जे मम्मी जी ने फेल होने तो बाद। खैर तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मैं तो अभी ज्वाइन करने जा रही हूँ 1xPET को। स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो मम्मी ने पराठा रोल करके दे दिया कि रास्ते में खाते खाते चली गई हो। तुझे पता है दीप, आज स्कूल में सारी आंसर शीट्स दिखाई जाएंगी। मुझे तो ताइबा मैम से बहुत डर लग रहा है। क्या सारे आंसर शीट्स आज दिखाए जाएंगे? मुझे तो लग रहा था कल दिखाए जाएंगे और मैं कल ही छुट्टी करने वाली थी। अब तो घर भी वापस नहीं जा सकती। मम्मी को बोल दिया कि कल स्कूल ऑफ रहेगा। ताइबा मैम तो फिर भी ठीक हैं, उनसे खतरनाक तो आशना मैम है। पूरी क्लास के सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर नंबर बताती है। हे भगवान जी, आज ना आशना मैम के मुंह में छाले पड़ जाए, वो कुछ बोल ही ना पाए, बस बिना बोले आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यार दीप, मैम ने मुझे डायग्राम के मार्क्स नहीं दिए। हाँ दे यार, क्या हो गया अगर कुछ नहीं लिखा था तो? डायग्राम तो बनाया था ना, उसके मार्क्स तो देने चाहिए थे मुझे। और 6 आंसर ना दीपा ने मेरी शीट से पूरा डिट्टो कॉपी किया था। मैम ने उसे 5 मार्क्स दिए और मुझे 3 मार्क्स दिए, और जब मैं रीचेक कराने गई ना तो मैम ने मेरे 2 मार्क्स और काट लिए। कितनी गंदी है मैम यार, चिढ़ती हैं मुझसे, इसीलिए खुंदस निकालती रहती हैं। मेरी मम्मी तो इतने दिनों से पूछ रही है कि पेपर नहीं मिले क्या अभी, उसे छुपा के रखने पड़ेंगे सारे पेपर, डांट थोड़ी ना खानी है उनसे। मुझे भी छुपाने पड़ेंगे वरना बहुत मार पड़ेगी। बस कर, पेपर से पहले मूड फ्रेश होना चाहिए तभी तो अच्छा होगा पेपर, रट्टे जा रही है। ले चल पहले नाश्ता कर पेट भर के, नहीं तो ध्यान भूख पे जाएगा और फिर तेरे बाल बनाती हूँ मैं। रुक जाओ मम्मी, कर रही हूँ ना, एक मिनट रुको। हो गया, एक मिनट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था? बेस इनटू हाइट, ये था। एक मिनट, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था? ब्रैकेट हाफ d1 इनटू d2। ओह गॉड, अब ये TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था यार? (2πr ब्रैकेट h+r) एक तो ये मेंसुरेशन, ऊपर से इसमें इतने फॉर्मूले, इतनी मुझ में बुद्धि नहीं है। मम्मी यार इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कह रही हूँ रख दे इस किताब को नीचे, थोड़ा रेस्ट दे दे बुद्धि को। ले ये बादाम खा, पॉकेट में भी डाल लियो थोड़े। ला के रख देती हूँ सब कुछ घर में, लेकिन खुद से लेके भी नहीं खा सकते। इनका बस चले तो पॉटी भी मम्मी से साफ करवा ले। हट यार, अब जो होगा ना देखा जाएगा बस। अच्छा सुन, मैं ना तेरे घर आ रही हूँ, साथ बैठ के पढ़ाई कर लेंगे,
तुझे जो आता है तू मुझे एक्सप्लेन कर दियो और जो मुझे आता है मैं तुझे बता दूंगी। चल ठीक है आ जा साथ में कुछ तो कर ही लेंगे। चल सही है इसने खुद ही कॉल कर लिया, कुछ तो पढ़ाई होगा इसने, अब तो यही मेरी डूबती नाव का सहारा है एंड टाइम पे। तूने भी कुछ नहीं पढ़ा? मुझे लगा तूने तो कुछ पढ़ा होगा। यार आज ही आई हूँ वापस, मामा जी की शादी थी, पहले तो मैं जा ही नहीं रही थी, फिर मम्मी ने बोला आखिरी शादी है, एक तो इनका पहला और आखिरी खत्म नहीं होता, खुद तो मजे में बैठी हैं, अब सारा स्ट्रेस मुझ पे आ गया पढ़ाई का। पर पता नहीं क्या है यार, इन लोगों को भी एग्जाम्स के टाइम पे शादी करवानी होती है क्या? हद है यार, बैन होनी चाहिए शादियां इस टाइम पे, हम सिर्फ मेरे लिए तो पोस्टपोन नहीं करवा सकते थे ना। और बुक्स भी लेकर गई थी मैं, लेकिन पढ़ाई कहाँ हो पाती है, और पहली बात तो शादी वाले घर में कोई रूम खाली ही नहीं मिल सकता, कभी मासी आ रही है अपना लगेज लेने, कभी मामा जी आ रहे हैं अपनी शेरबानी उठाने, कभी ना ना कभी ना नी, और ऐसे माहौल में पढ़ाई हो कैसे सकती है जहाँ सब मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, डीजे पे डांस कर रहे हो। तू बता तू कर सकती है? राइट, नहीं हो सकती यार ऐसे पढ़ाई, समझ गई मैं। और तेरा क्यों नहीं हुआ बे, तू तो घर पे ही थी? बीमार पड़ी हुई थी यार मैं इस मौसम की वजह से, भूख तक तो लगती नहीं है फीवर में, पढ़ाई हो सकती है क्या? भाई आइंस्टाइन की औलाद नहीं हूँ मैं। चल कोई नहीं आजा कोशिश करते हैं पढ़ने की, पीछे से स्टार्ट करते हैं। शेट यार, यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सेम यार, जो पेज पलट रही हूँ वही नया लग रहा है। साक्षी को कॉल कर ले। तुझे लगता है वो टॉपर कुत्ती फोन भी उठाएगी हमारा? एग्जाम टाइम पे ना सबको इग्नोर करती है वो, भूल जा। अब तो एक ही ऑप्शन है यार। दिमाग हिल गया है क्या तेरा? बेटा पकड़े गए ना फुल बेइज्जती होगी। अबे पकड़े जाएंगे तब ना। मैं नहीं कर रही, बहुत इंसल्ट होती है पकड़े जाने पर। तनीषा के साथ क्या हुआ था याद है तुझे? भाई आगे के एग्जाम्स नहीं देने दिए थे उसे, पेरेंट्स को बुलाया सो अलग। ठीक है भाई मुझे तो फेल नहीं होना। ओए पागल पैर पे क्यों लिख रही है? सॉक्स पहनूंगी सब हाइड हो जाएगा। फेल तो मुझे भी नहीं होना यार, पर इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं तो स्लिपी बनाऊंगी, कम से कम चेकिंग होगी तो बाहर फेंक तो दूंगी, फंसूंगी नहीं। और तू नहाएगी ना तो ये सारा छूट जाएगा। तो ना कौन रहे? एक चोटी में, एक शर्ट की स्लीव्स में, एक सॉक्स में, एक शूज के अंदर, बाकी की स्लिप्स वॉशरूम में रख दूंगी, सूसू के बहाने जाऊंगी और एक्सचेंज कर लूंगी। मैं तेरा वहाँ गेट के बाहर वेट कर रही हूँ, मुझे लगा अभी भी पेपर दे रही होगी अंदर। मैं भी तेरा ही वेट कर रही थी, मोमोज खाते खाते, खा ले जल्दी खत्म हो जाएंगे। बाय द वे पेपर कैसा गया तेरा? भाई एग्जाम से पहले तो इतनी एंजाइटी हो रही थी, इतना स्ट्रेस था, लेकिन पेपर देने के बाद ना मूड अच्छा हो गया, तभी मोमोज खाने चले आई।
यहाँ तो सब अच्छे से याद किया था पर पेपर देखते ही सब ब्लैंक हो गया। माई ब्रेन इज लाइक तू पेपर दे मैं आराम करता हूँ, खत्म होने के बाद मिलूंगा। स्टिल लपेट के आई हूँ, कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया है। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि एग्जाम खत्म हो गए। अबे चिल करना, ले मोमोज खा। भाई मैं तो श्रजा को देख के शौक थी, पूरे 2 घंटे ना उसने सिर्फ टाइम पास किया था, कभी वॉशरूम जा रही है कभी पानी पीने जा रही है। मुझे तो लगा ये कुछ पढ़वड़ के नहीं आई है, लेकिन जैसे ही सर ने बोला 15 मिनट्स आर लेफ्ट, भाई फिर क्या टार्जन बनी है वो, 3-3 सप्लीमेंट्री भर के आई है लास्ट 15 मिनट्स में। मैंने पूछा तो बोलने लगी मेरा दिमाग ना लास्ट के 15 मिनट्स में ही चलता है। मैं क्या अजीब है यार, ये सच में अजीब है। और मुझे तो लास्ट में पता चला कि मुझे 11th क्वेश्चन भी आता है, लास्ट के कुछ मिनट में ना जैसे तैसे लपेट दिया मैंने, पता नहीं कौन से चील कबूतर उड़ाया, मैम को समझ भी आएगा कि नहीं। और तूने 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? ना बहन इसे मत खोल अभी, सारे मूड की बैंड बज जाएगी यार, 2 महीने से एग्जाम्स का सरदर्द लेके घूम रही हूँ। एग्जाम खत्म हुए हैं थोड़ा एंजॉय करने दे। चल ठीक है खत्म एग्जाम। ओए आज सलोनी का बर्थडे भी तो है ना, खुश हो रही होगी, आज ही लास्ट पेपर था और उसका बर्थडे भी है, चल पार्टी लेंगे उससे। ये कहाँ जा रही है? ओए कहाँ जा रही है, ट्यूशन नहीं जाना क्या तुझे? नहीं यार मैं नहीं आऊंगी ट्यूशन, मंदिर जाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम से पहले, बाकी मेरे सारे डाउट्स तो भगवान जी क्लियर करेंगे। अब पहले ही भगवान जी को 111 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी, फिर वो खुश होके पास तो करवा ही देंगे। बेवकूफ है ये, इसे नहीं पता अगर पढ़ाई करके नहीं जाएगी ना तो भगवान भी कुछ नहीं करने वाले इसका। चल ठीक है बाय, प्रसाद लिए यो। हाँ बेटा इसे मजा तो तब आएगा जब ट्यूशन वाली दीदी पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरा पेपर करके आई हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ हाँ विकास सर ने खुली चीटिंग जो कराई थी, जितनी चीटिंग करनी है कर लो, बस आवाज क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी तो हवा टाइट हो गई थी जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरा रोल नंबर फर्स्ट बेंच पे आया है। और जैसे ही विकास सर ने क्लास में एंट्री मारी, बाय गॉड दिल को सुकून मिल गया। नकचुड़ी तो फीमेल टीचर्स होती हैं, ख्याति बोल रही थी कि उनकी सेक्शन बी में ना नैंसी मैम आई थी। ओ तेरी नैंसी मैम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई बच्चा अगर चीटिंग करने की कोशिश भी करता है ना कच्चा चबा जाती है उसे। वही तो, एक भी बच्चे को उनकी क्लास में ना सर तक नहीं लाने दिया। और अनफॉर्चुनेटली उनकी क्लास में तो कैमराज भी लगे थे, इस मामले में तो हम लकी हैं। और तूने तृप्ति की शक्ल देखी थी जब सर ने हमें चीटिंग के लिए अलाउ किया था? भाई सही में देखी थी मैंने उसकी शक्ल, ऐसा लग रहा था उसकी दुनिया उजड़ गई। क्लास की टॉपर जो थी बेचारी छाप के आई होगी सारा पेपर माइंड में, उसे क्या पता था कि हम भी उसे कंपटीशन देने वाले हैं साइंस के पेपर में। बहुत सारा सिलेबस बचा है यार, कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों ही याद आ गया ये। छोड़ना अब तो टीवी देखने में भी मजा नहीं आ रहा यार, राशि को कॉल कर लेती हूँ। कहाँ बिजी है ये, फोन नहीं उठा रही। श्रद्धा को करती हूँ।
ये भी नहीं उठा रही, मां ही को करती हूं। हाँ कहां मर गए सारे के सारे? कहीं फोन साइलेंट करके पढ़ाई तो नहीं कर रहे सारे के सारे? हे भगवान, मुझे अकेले फेल नहीं हुआ ना। मम्मी टीवी का केबल हटवा दो और लो मेरा फोन अपने पास रखो और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, खाना वाना कुछ भी नहीं खाना मुझे। हे गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो गाइज, वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, रिलेट भी की होगी, इन्जॉय भी किया होगा, और अगर किया है ना तो कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मैं सारे कॉमेंट्स रीड करने जा रही हूँ। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, सॉरी, पर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तब तक इस वीडियो को इन्जॉय करो, बहुत सारा प्यार दो, शेयर कर दो, दबा के लव यू, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।